तो हे गाइस, क्या हाल चाल। एंड गाइस, जब मैं इस फोटो को इंस्टाग्राम के ऊपर अपलोड किया तो आप लोगों का बहुत सारा कमेंट आया कि भाई इसका वीडियो कब आएगा। तो फाइनली इसका वीडियो आ चुका है और आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ 3 स्टेप, जो कि 3 स्टेप को देखकर आप लोग सेम ऐसा ही रियलिटी फोटो एडिटिंग कर पाएंगे। एंड गाइज, इस वीडियो को देखने के बाद आप हर कोई बंदा जो भी इस वीडियो को देखेगा उसको सेम ऐसा एडिट करना आ जाएगा 100% गारंटी के साथ। अगर नहीं आएगा तो आप लोग वीडियो को डिसलाइक करके जा सकते हैं, क्योंकि आज मैं इतना आसान ट्रिक बताऊंगा बैकग्राउंड चेंज का और फेस पे मैं किस तरह ये वाला स्ट्रक्चर दिया हूं, सब कुछ बताने वाला। देखिए फेस पे ये बिंदु बिंदु सा दिखाई दे रहा है, किस तरह मैं ये वाला इफेक्ट डाला हूं, सब कुछ आपको दूंगा और क्वालिटी कितना हार्ड है और फेस किस तरह पूरा रियलिटी में एडिट किया हूं, सब कुछ आज मैं आपको बताने वाला हूं। एक और बात की, कुछ दिनों से मेरा वीडियो नहीं आ रहा था, ना तो इंस्टाग्राम पे फोटो आ रहा था गाइज, कुछ दिक्कत हुआ था जिसके चलते नहीं आ रहा था, बट कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। अब से डेली आप लोग के लिए वीडियो आएगा टाइम टू टाइम, बस आप लोग क्या कीजिए, पहले के जैसे सपोर्ट बनाए रखिए। तो देखिए गाइस, सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको एक फोटो क्लिक करना है, जो कि देखिए मैं फोटो ऐसा क्लिक करना है, आप लोग भी ऐसा क्लिक कर सकते हैं और मैं इसका PNG आप लोग को दे दूंगा। अगर PNG नहीं दूंगा तो आप लोग मेरा फोटो से इसको कटआउट कर सकते हैं, ठीक है, कोई भी टेंशन की बात नहीं है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इस फोटो को ले चलना होगा कहाँ पे, Lightroom एप्लीकेशन के अंदर। देखिए बहुत छोटा सा वीडियो होने वाला है तो आपको Lightroom में आ जाना है, और Lightroom में आने के बाद मैं दूंगा आपको एक ठो प्रीसेट, जो कि बहुत ज़्यादा स्पेशल प्रीसेट है, जो कि उतना स्पेशल भी नहीं है, ठीक है। तो आप सबसे पहले इस वाले प्रीसेट को ले लें, देखिए कोई उतना खास प्रीसेट नहीं है, बस जो होता है फेस आपका बहुत क्लियर हो जाएगा। तो सिंपली आपको 3 डॉट पे जाना है, कॉपी सेटिंग पे जाना है, उसके बाद सही पे क्लिक करके आपको अपने फोटो पे आ जाना है, फिर आपको 3 डॉट पे जाना और पेस्ट करना है। आप लोग बोलेंगे भाई कौन सा प्रीसेट है ज़्यादा गोरा नहीं होता, देखिए गाइस हमको ज़्यादा गोरा नहीं करना वरना फोटो ख़राब बन जाएगा। देखिए बिफोर, देखिए मैं दिखा रहा हूँ आपको, देखिए पहले जो फेस पे ग्रीन इफेक्ट था इसी को हटाने के लिए और फेस पे उतना व्हाइट नहीं था, इसी सबको सही करने के लिए मैं इस प्रीसेट का यूज़ किया हूँ। देखिए इतना हार्ड क्वालिटी हो चुका है, एक तो अगर आपका फोटो HD नहीं हुआ तो इस प्रीसेट से आपका फोटो HD हो जाएगा, अगर आपको फेस पे बहुत सारा ग्रीन इफेक्ट होगा तो वो ग्रीन इफेक्ट भी हट जाएगा, यानी कि सारा कुछ इस प्रीसेट से आप लोग कर पाएंगे। तो उसके बाद आपको क्या करना है, इस फोटो को सेव कर लेना है। देखिए मैं आपके सामने सारा स्टेप बता रहा हूँ, कोई भी टेंशन की बात नहीं है, मैं सबसे आसान ट्रिक बता रहा हूँ, क्योंकि इतना खोल के कोई भी नहीं बताता है, बस आपका अमित भाई एक ऐसा बंदा है जो कि पूरा खोल के बताता है। तो देखिए फोटो मेरा सेव हो चुका, उसके बाद आपको क्या करना है, देखिए मैं गैलरी में फोटो को ओपन कर देता हूँ और यहाँ पर दिखा देता हूँ। देखिए गाइस इस फोटो देखिए कितना ज़्यादा HD हो चुका है, देखिए पूरा फुल HD हो चुका है। तो सिंपली आपको क्या करना है, इस फोटो को स्मूथ आप लोग कर देना। देखिए मैं हल्का फुल्का बस स्मूथ किया हूँ, कोई भी उतना खास स्मूथ नहीं किया हूँ, क्योंकि पहले से मैं इस फोटो को स्मूथ करके रखा हूँ ताकि आप लोग को ज़्यादा दिक्कत ना करना पड़े, ठीक है, यानी कि ज़्यादा वीडियो लंबा होगा फिर आप लोग को दिक्कत होगा वीडियो देखने में, इसलिए शॉर्टकट बता रहा हूँ, आप लोग स्मूथ कर लीजिएगा। उसके बाद आपको बैकग्राउंड को भी कटआउट कर लेना है, एंड मैं कैसे कटआउट किया हूँ, देखिए नीचे क्या लिखा है, फोटो रूम, यानी कि फोटो रूम से मैं कटआउट किया हूँ, जो कि आपको मैं हजारों वीडियो में बताया हूँ, मैं नहीं बट यूट्यूब पे बहुत से लोग हजारों वीडियो में आप लोग देखे होंगे कि फोटो रूम से कटआउट होता है। तो इतना काम के बाद आपको क्या करना है, इस वाले बैकग्राउंड को डाउनलोड कर लेना है। उसके बाद इस वाले बैकग्राउंड को आपको क्या करना है, ले चलना कहाँ पे, डायरेक्ट पिक्स आर्ट एप्लीकेशन के अंदर, और देखिए बस तनी सा 1-2 मिनट और लगेगा और फोटो बन के रेडी हो जाएगा। उसके बाद आपको आ जाना है ऐड फोटो वाले ऑप्शन पे, और इस पे आने के बाद आपको इस फोटो को ले लेना है, बैकग्राउंड को, यानी कि जो ये कटआउट किए थे इसको आप लोग ले लीजिएगा, फिर आपको ऐड पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक के बाद आपको जूमिंग करके, आप लोगों को देखिए इतना जूमिंग करके इसको इतना पे लगाना है, ठीक है, आप लोग आराम से इसको इतना पे बैठा दीजिएगा। फिर आपको आना है ऐड फोटो पे, और मैं दूंगा आपको एक ठो PNG, इस वाले PNG को ले लीजिएगा। इसको लेने के बाद आपको जूमिंग करके इसको इतना पे लगा लेना। उसके बाद देखिए ये जो है ये ब्लैक कलर का है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको करेंगे बैकग्राउंड यानी कि ऑरेंज कलर। तो ऑरेंज करने के लिए हम एडजस्ट पे आ जाएंगे, सबसे लास्ट में जाएंगे, टेम्परेचर को हम क्या करेंगे, हाई करेंगे। ये कितना मस्त बैकग्राउंड से मैच हो चुका। उसके बाद हम क्या करेंगे, ओपेसिटी को इतने से लो कर देंगे। इतना काम आप लोग कर दीजिएगा, उसके बाद आपको सही पे क्लिक करना है, फिर आपको फोटो को जूम करना है, एंड आपको जाना कहाँ पे, स्टिकर वाले ऑप्शन पे। और देखिए मैं क्या करता हूँ, अपना डाटा ऑन करता हूँ, ठीक है, क्योंकि हमको डाटा का ज़रूरत है। उसके बाद आपको क्या करना, सिंपली देखिए ये नेट, फिर आपको जाना है सर्च वाले ऑप्शन पे, और आपको सर्च करना है कट, यानी ये कट से क्या होगा, आपका कट फट पूरा शरीर पे लगाने वाला आ जाएगा। तो देखिए मैं सर्च किया, मेरा नेट अभी स्लो है, कोई दिक्कत नहीं,
तो देखिए कितना सारा पीएनजी आ चुका। उसके बाद आप लोग को लगाना है पीएनजी, कौन सा पीएनजी लगाना है सब कुछ बताऊंगा। सबसे पहले आपको लेना है इस वाले पीएनजी को, इसको लेना है, इसको छोटा करके आपको लगाना अपने गर्दन पे। देखिए इस प्रकार से इसको आप लोग लगा, इसको सीटों को आप लोग लॉक कर दीजिए। देखिए इतना पे इसको कर दीजिएगा। फिर आपको स्टिकर पे आना है, और स्टिकर पे आने के बाद आपको इस वाले पीएनजी को ले लेना है, ठीक है। और इसको लेने के बाद आपको सिंपली इसको लगाना है यहाँ पे माथे पे, जैसे लगे कट यहाँ पे। देखिए देख कितना हार्ड ये लग चुका। उसके बाद आपको सही पे क्लिक करना है। फिर आपको आना कहाँ पे, इस रिटच वाले ऑप्शन पे, और आपको इधर जाना है और आई कलर पे आना है, और आपको लगाना है एक ठो आँख। मैं सिंपली क्या करता हूँ, इसको हाई, और इसको मैं क्या करता हूँ एडजस्ट करता हूँ अपने हिसाब से। देखिए इसको मैं इतना पे एडजस्ट किया, और फिर इसको मैं क्लिक करके इसको इतना पर एडजस्ट करता हूँ। इतना आप लोग काम कर दीजिएगा। फिर इस वाले आँख को लेकर एंड इरेज पे आपको जाना, ऊपर से इतना इरेज कर दीजिएगा। फिर आपको इसको भी ऊपर से इरेज, देखिए कितना हार्ड मेरा लग रहा है। तो सिंपली इतना काम करके इसको उतनी से आप लोग लो, देखिए कितना हार्ड मेरा फोटो लग रहा है। इतना काम आपको कर देना है। फिर आपको क्या करना है, अपने फोटो को ले चलना कहाँ पे, स्नैपसीड एप्लीकेशन के अंदर। और बस तनी सा एक छोटा सा स्टेप है, देखिए आप लोग समझ सकते हैं मैं कितना शॉर्टकट ट्रिक आपको बता रहा हूँ। फिर आपको टूल्स पे आना है, सिलेक्टिव पे जाना है, और आप लोग क्या कीजिएगा, इस प्रकार से आपको लाइट देना। देखिए मैं जैसे लाइट को दे रहा हूँ, इस प्रकार से आपको भी क्या करना है, लाइट को एडजस्ट करना। देखिए कितना हार्ड है, आप लोग देख सकते हैं कितना हार्ड मैं लाइट को एडजस्ट कर रहा हूँ। तो इस प्रकार से आपको भी अपने फेस पे लाइट, देखिए ज़्यादा लाइट मत दीजिएगा और ज़्यादा फेस को गोरा मत करिएगा, इतना काम कीजिएगा। फिर उसके बाद आपको आना कहाँ पे, इस पोर्ट्रेट वाले आइकन पे, और इस पे आने के बाद आपको आई क्लैरिटी को हाई करना है, स्किन स्मूथिंग को भी हाई करना है, फिर इसको भी हाई कर देना। इतना सेटिंग आप लोग कर दीजिएगा। इतना सेटिंग के बाद आपको अपने फोटो को कहाँ पे ले चलना, डायरेक्ट लाइट रूम एप्लीकेशन के अंदर। बस वन क्लिक और आपका फोटो वन के रेडी होने वाला, सेम टू सेम मेरे जैसा। तो देखिए मैं यहाँ पे आ चुका हूँ। उसके बाद मैं आपको दूंगा एक टू प्रीसेट, ये वाला प्रीसेट, जो कि देखिए ये भी फोटो बन के रेडी हो चुका है। अगर आपको ये अच्छा लग रहा है तो इसको भी आप लोग अपलोड कर सकते हैं, बट मैं सजेस्ट करूँगा इसको आप लोग अपलोड करिए, क्योंकि ये क्या लगता है, पूरा रियलिटी लगता है देखने में। तो सिंपली आपको इस पे आ जाना है। इस पे आने के बाद आपको थ्री डॉट पे जाना है। फिर आपको कॉपी सेटिंग पे जाना है, और नीचे वाले को मार्क लगाकर सिंपली आपको ऊपर सही के निशान पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको अपने फोटो पे आ जाना, और इस पे आने के बाद देखिए वन क्लिक और आपका फोटो हो जाएगा रेडी। तो देखिए वन क्लिक एंड आपका फोटो कितना डेंजर हो चुका, और फेस पे ये बिंदु बिंदु सा अभी आ चुका, जो कि कितना डेंजर लग रहा है। मैं जानता हूँ ये पहले वाला सही था, लेकिन गाइस इसमें क्या हो रहा है कि पूरा रियलिटी लग रहा है। मान लीजिए बैकग्राउंड के हिसाब से मेरा शर्ट अंधेरा हो चुका है, एंड फेस पे मान लीजिए मारपीट होता है, वहाँ पे फेस कहीं पर अंधेरा व्हाइट, यानी कि लाइट पूरा बराबर नहीं होता है, इसलिए देखिए पूरा गजब का लग रहा है कलर टोन, ठीक है। आप लोग अगर चाहे तो इसको भी अपलोड कर सकते हैं, बट मैं सजेस्ट करूँगा आप लोग इसको अपलोड करिए, क्योंकि इसको देखने में बहुत ज़्यादा डेंजर लग रहा है। तो गाइस आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टाटा बाय बाय एंड टेक यू।